हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 64 है हमारी वेट लॉस सीरीज़ का और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो अपलोड भी कर पाऊँ। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने 12 बजे ले ली है ये वर्मिसली, ये सूजी वाली वर्मिसली है, मैदा वाली नहीं है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग करती हूँ जिसमें 8 घंटे का मेरा ईटिंग पीरियड रहता है, 16 घंटे की फास्टिंग रहती है। फास्टिंग के दौरान मैं कभी भी कोई सॉलिड आइटम नहीं खाती हूँ, सिर्फ लिक्विड चीज़ें लेती हूँ जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, कोई जूस या ये सब चीज़ें ही लेती हूँ। कोई भी सॉलिड ऐसा पूरा ठोस आहार वाला फूड नहीं लेती हूँ। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया 12 बजे मैंने पहला अपना मील ले लिया है, मेरे को यही कम्फर्टेबल लगता है। अगर आपको कम्फर्टेबल लगता है तो आप सुबह 10 बजे पहला मील लेकर के रात को 6 बजे अपना जल्दी मील कर लेकर के सो जाओ। पर मेरे को रात को बहुत ज़्यादा लेट तक उठना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा 8 बजे तक ही अपना डिनर करना प्रेफर करती हूँ। 3 बजे मैं अपना लंच कर रही हूँ जिसमें मैंने एक रोटी ली है मीडियम साइज़ की, एक कोई भी सब्ज़ी और साथ ही में मैंने काफ़ी सारा सैलेड लिया है। ये रोटी नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी है, आप चाहे तो रागी की रोटी या फिर आप मल्टीग्रेन रोटी यहाँ पे ले सकते हो, वो ज़्यादा हेल्दी होगी वीट की रोटी से, या फिर वीट में ही आप थोड़ा सा बेसन मिला करके भी रोटी बना सकते हो। मैं मेरी डाइट में चावल, रोटी ये सब ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि डाइट ऐसी करनी चाहिए जो हम लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएँ और भले ही हमारा वेट लॉस धीरे हो लेकिन वो सस्टेनेबल रहे और वो हमारे लाइफस्टाइल में ही आ जाए। तो आप रोटी चावल ये सब खाना छोड़ दोगे तो आप बहुत लंबे टाइम तक डाइट नहीं कर पाओगे। आप कुछ टाइम तक डाइट करने के बाद वो छोड़ दोगे तो वापस रीगेन होने का चांसेस हो सकता है। और जब आप रोटी चावल खा करके वेट को कम कर सकते हो तो क्यों छोड़ना है इसको। मैंने खुद ने अपना ये सब चीज़ें खा करके ही 14 किलो वज़न कम किया है PCOS में। शाम में 6 बजे मैंने ले लिया है साथ में अपनी ब्लैक कॉफ़ी, साथ में मैंने कुकीज़ लिए हैं, 2 ओट्स के कुकीज़ हैं ये, और साथ में ही कुछ रोस्टेड पीनट्स ले ली थी मैंने। ये कुकीज़ एक्चुअली बताऊँ तो मार्केट वाले हैं तो एकदम हेल्दी नहीं है, चाहो तो घर पर बेक कर सकते हो। कुकीज़ वगैरह की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। होममेड एकदम हेल्दी बिना चीनी के एकदम हेल्दी कुकीज़ बना सकते हो, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके रेसिपी चेक कर लो। देन डिनर मेरा बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था तो मैंने लाइट सा एकदम सिंपल सा ओट्स बना लिया है। ओट्स की रेसिपी मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं पहले ओट्स को रोस्ट करती हूँ, देन उसमें पानी मिला करके उसको अच्छे से धीमी धीमी आंच में पकाती हूँ, देन एंड में मैं उसमें मिल्क ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी रेजिन वगैरह आज तो कुछ भी ऐड नहीं किया। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट रेजिन्स ऐड कर सकते हो, ऊपर से थोड़ा हनी डाल सकते हो। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, एकदम सिंपल तरीके से खाया है। तो बस यही मेरा डिनर था आज, मैंने 8 बजे अपना डिनर करके कंप्लीट कर लिया था। डिनर के 1 घंटे बाद तक मैं कभी भी पानी नहीं पीती हूँ, कोई भी मील लेती हूँ उसके बाद मैं आधे 1 घंटे तक कभी पानी नहीं पीती हूँ। और हमेशा खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करनी चाहिए। अभी तो आजकल मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ अपने बिजी शेड्यूल होने के कारण, बट आपको इस सब डाइट के साथ साथ में 30 से 40 मिनट रोज वर्कआउट भी करने हैं और वॉकिंग भी करनी है, तभी आपको अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। डिनर के 1 घंटे बाद मैंने ले ली थी ग्रीन टी और इसी के साथ दिन का आज मैंने एंड किया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप वीडियोस देखते हो लेकिन बिल्कुल भी लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और आजकल तो व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।